चलिए बताते हैं राज्य से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सीएम पुष्कर धामी का आज दिल्ली का दौरा, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात, उत्तराखंड चुनाव को लेकर होगी चर्चा। ओल्ड सीमापुरी में मिले बैग से बरामद हुआ आईडी, जिस मकान से मिला उसके किराएदार फरार, तफ्तीश में हुए और भी खुलासे। शिव जयंती पर माफी मांगे पीएम मोदी, कांग्रेस नेता लाला पटोले बोले, कोरोना काल में किया महाराष्ट्र का अपमान। एम्स डायरेक्ट पद के लिए आईसीएमआर महानिदेशक बलराम भार्गव सहित 32 उम्मीदवारों के नाम, रणदीप गुलेरिया 23 मार्च को हो रहे रिटायर। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू मौत मामले में ट्रक ड्राइवर अरेस्ट, हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। नुक्कड़ घोषणा पत्र, गठबंधन की बैठक 26 फरवरी को, परिसीमन से जम्मू कश्मीर की स्थिति पर होगी चर्चा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए खतरा, मानवाधिकार आयोग पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर दे ध्यान, एनएचआरसी के प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का बयान। नोएडा के सेक्टर 24 में स्पा सेंटर में लगी आग, महिला कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत। गुजरात में सोमवार से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, नहीं होगी ऑनलाइन पढ़ाई।